जीवन में दो तरह के लोग आपके साथ हमेशा होने चाहिए। एक कृष्ण जैसे, जो आपके लिए ना भी लड़े तब भी आपकी जीत पक्की कर दे, और दूसरे कर्ण जैसे, जो आपके लिए तब भी लड़े जब आपकी हार सामने दिख रही हो। तुम्हें देखकर हिम्मत आ गई, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। लेकिन बड़े उम्मीद ना थी कि तुम ऐसे। There's no time for that. भाषण खत्म हो गया, निकलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। आज मैं सबसे ज्यादा मुश्किल में हूँ, और मुश्किल में बस मुझे तुम्हारा ही नाम याद आता है। निकल जाओगे यहाँ से? बात यहाँ से निकलने की नहीं है। फिर ए, के प्लानिंग चढ़ रही है, चलो मीटिंग छोड़ो, चलो यहाँ से। काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता भवानी। ये सब बात यहाँ करना ठीक ना है? टाइम नहीं है, हमारे पुरखों का सोना पैसा सब हाथ से निकलने वाला है। कौन सा सोना? लाखों का सोना है, पूरे वक्त के लिए बचा के रखा था, हमारे शहर की तरक्की के लिए, गरीबों की मदद के लिए। सरकार ने जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया है। क्या हुआ? तुम मेरे साथ हो ना? तुम मेरे साथ हो ना? हमेशा, हर रास्ते पर, अंत तक। तो अभी तक अटे है, चल निकल बाहर यहां से अभी के अभी। केड़ में दो दिन दो घंटे के होते क्या? लगता है थारी हड्डियों को गर्मी देनी पड़ेगी। पुलिस वाले को मारने की क्या सजा मिले? मतलब हमारा सारा सोना ट्रक भर के दिल्ली लेके जा रहे हैं, और तुम्हें कैसे भी उस ट्रक को रोकना है। अगर सरकार सोना लेकर जा रही है तो वो भी तो लोगों के काम आएगा। आप भी तो यही चाहती थी। तुम्हें लगता है सरकार का दिल इतना बड़ा है जो बांट देगी? ये सोना सिर्फ मेरे दुश्मन संजीव का घर चमकाने वाला है। प्लीज भवानी, इसे रोक लो। परमो सिंह, तुम संजना से मिलो, वो तुम्हारा पूरा साथ देगी। अभी तो सिर्फ उसे ही मुझसे मिलने देते हैं। अगर तुम्हें कोई मैसेज देना है तो उसको देना। और भवानी, सोना बहुत ज्यादा है। फिकर मत करो, आपके सोने का कैरेट हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। वो ट्रक दिल्ली नहीं पहुंचेगा। चलो गुरुजी। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक जिन के साथ हम पीते हैं, दूसरा जिन की वजह से हम पीते हैं। हिम्मत बढ़ाने की दवा है भवानी, बहुत गीतांजलि को। गुरुजी, एक पैर कवर में, दूसरा केड़े के छिलके पर। ऊपर से डिस्को, काहे को? वैसे भी उसको बचाने के लिए नहीं बुलाया। तो फिर ये आखिरी दांव के है? वो आ जाए फिर बताता हूँ। वो चोर, वो छिछोरा, वो कमीना, वो फिर भी थारे को वो चाहिए चाहिए। जहर सेहत से ना कटे, उसके लिए जहर चाहिए। संदेशा पहुंचा दियो है? शहर की सारी बदनाम गलियों में पोस्टर लगा दिए हैं। पुराना चावल है, पता नहीं किस हांडी से निकले। सोना चुराना है वो भी आर्मी से। मारा एक दोस्त था, उसने आर्मी से पंगा लिया। जानते हैं उसका क्या हुआ? क्या मर गया? वो आर्मी है, हम हरामी।
पानी इस काम में खतरा कुछ ज्यादा ही लग गए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया थारा? 50,000 कठपुतलियां नचाने से तो मिले ना। अरे ये 50,000 मरनो परान मिले तो भी किस काम के? ये दुनिया थारी मम्मी ना है जो सब कुछ थाली में परोस के दे देगी। हाथ पैर मारने पड़े हैं, मैं कुछ सोच कर बोल रहा हूँ। गुरु जी, ऐसी कोई तिजोरी ना बढ़ी जो आप खोल ना सको। और राजस्थान का टिल्ला टिल्ला दलिया से वाकिफ है। तीसरा मैं। हाँ, थारो रजू गणेश संत तो बचपन से तैयार है। हम चारों मिलकर काम करेंगे। ए भाइयों, ये तीन के चार दिख रहे हैं, चौथा कौन है? गुरुजी, दलिया संजड़ा गीतांजलि का सारा काम देखती है, साथ है हमारे। होगी, अपनी आर्मी से तो दुश्मन देश नहीं जीत पाते, और हम तो सिर्फ चार हैं। ना सोना मिलेगा ना सोने को। सोच लो। करने से पहले क्या सोचना, पहले करो फिर डरो। आई नो देयर इज अ वे टू गेट इट, वी जस्ट हैव टू फाइंड इट। देसी ठर्रे में अंग्रेजी विस्की मिला दी, ना चढ़ेगी ना हजम होगी, परेशान करेगी। गीतांजलि के बहुत एहसान है मुझ पर, उनके लिए मैं कोई भी खतरा उठा सकती हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगी, बाद में क्या होगा वो बाद में सोचेंगे। जिंदगी बड़ी छोटी है भाइयों, बड़े बड़े फैसले लेने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। लुगाई की फोटो देख रहा है, क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं जब इसे इतने साल झेल लिया तो ये भी झेल ही लेंगे। क्यों? किसी ने सही बोला है, दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई ना होवे। आर्मी ने पूरा मिशन मेजर सहर सिंह की कमांड में दिया है, आ रहा है आज। आड़ दे, सिट्टी बजाते हैं साड़े की।